बहुत सारे लोग मिलते हैं साथ संगत जी, एक बात कहते हैं कि हम पाठ भी करते हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो हमारे दुख रोग दूर क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे लोगों का सवाल है। कुछ साल पहले तक मेरे मन में भी ये बात आती, महापुरुषों ने सुमत बख्शी, समझाया, आप लोग भी सुन लीजिए। इसके पीछे दो कारण है साथ संगत। सबसे पहले, एक बार पहले भी दास ने आपसे बेनती की थी कि हम बूंद बूंद करके घड़ा तो भरते हैं, पर अगर नीचे से घड़ा टूटा हुआ है तो ध्यान दिया कीजिए, कहीं ये डेढ़ घंटा सत्संग करने के बाद अगर 15 मिनट भी किसी की निंदा में बीत गए ना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। महापुरुष वचन किया करते थे कि दो पाठ सुखमणि साहब जी के कर लो और एक फिल्म देख लो, पूरा हो गया। हम पूरा पूरा दिन मेरे समेत टीवी के आगे बैठे रहते हैं। ध्यान दीजिए, टीवी में क्या आता है? मन में पाप तो आएगा ही ना कुछ गलत ख्याल तो मन में आएंगे ही ना। ये पहली वजह है कि हम गवाह बैठते हैं। महापुरुषों के वचन कमाना तो मुश्किल है ही, जपना तो मुश्किल है ही, संभालना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। हम संभाल नहीं पाते। और दूसरी बात, कबीर जी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। राम कहने में पेद है, काम है एक विचार, सोई राम सबे कहे, सोई कौन तक हाँ। कबीर जी कहते हैं के राम कहने में भेद है। अब एक आदमी करोड़ों बार राम राम करता जा रहा है पर उसका कोई मुश्किल हल नहीं हो रही। मस्कीन जी एक बात बार बार कहा करते थे कि करोड़ बार राम राम कह लो, करोड़ बार वाहिगुरु वाहिगुरु कह लो, एक भी दुख दूर नहीं होगा। पर एक बार राम कह लो, एक बार वाहिगुरु कह लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कैसे है? ध्यान से सुनिए, करोड़ बार राम राम कह लो, करोड़ बार वाहेगुरु वाहेगुरु कह लो, एक भी दुख दूर नहीं होगा। पर एक बार कहने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे? पर मस्कीन जी समझाया करते थे, ये एक बार कहना आने के लिए, करोड़ बार कहना पड़ेगा। ये जो दास आपसे बार बार कहते हैं नित्य नेम बढ़ाओ, 13 माला, 26 माला, 50 माला, इसका कारण यही ये है कि जैसे जैसे जितना आप जपते जाओगे, वो एक बार कैसे कहना है वो आ जाएगा। राम कहने में भेद है। क्या भेद है राम कहने में? लोई जी बैठे हैं अपने घर में, कबीर जी की धर्मपत्नी घर में बैठी है। बाहर एक कोड़ी आ गया जिसे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है, बदबू आ रही है शरीर से, कोई पास में खड़ा नहीं करता। अब घर के बाहर आकर पूछता है, कबीर जी हैं? लोई पूछती है, क्या बात है? कहने लगा, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, घर वालों ने तक धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि ये बीमारी फैलती है, दूसरों को हो जाएगा। तो मैंने सुना है कबीर जी राम नाम का जाप करवाते हैं और दुख दूर हो जाता है। लोही कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बिठा दिया, हाथ पांव धुलाए, 5 स्नान कराया और कहने लगे, बोलो राम। आप भी बोलिए राम राम राम। 3 बार राम कहा साथ संगत जी, उसका पूरा शरीर अरोग हो गया। उसी वक्त रोगी खुशी खुशी चला गया, कबीर जी आए। लोही ने बड़ी खुशी खुशी बताया, एक कोड़ी आया था, मैंने 3 बार राम कह के उसका रोग दूर कर दिया। साथ संगत जी, कबीर जी नाराज हो गए, तूने राम नाम को इतना सस्ता समझ रखा है कि 3 बार जपाया, 1 बार जपा के क्यों नहीं रोग ठीक किया? ध्यान देना साथ संगत जी, अब वो एक बार कैसे जपते हैं? कमाल की बात है, कबीर जी नाराज हो रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा दिन राम राम करते थक जाते हैं, हमारा कुछ होता नहीं। वो एक बार राम कह के कोड़ी को ठीक कर सकते थे, वो कैसा राम है?
इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा। अब जो बात दास आपसे करने जा रहे हैं, जो दास बात आपसे कहने जा रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। किसी ने गलत ढंग से ले लिया तो नुकसान हो सकता है। सारा ध्यान इस तरफ रखिए। राम कहन में भेद है। अभी एक बार राम कहा कैसे जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा कि मन क्या है। विवेकानंद जी कहते हैं मन क्या है, चैन ऑफ थॉट्स, कि ये विचारों की जंजीर है। चैन ऑफ थॉट्स, एक थॉट जा रही है, एक जुड़ती जा रही है, एक विचार आ रहा है, दूसरा खत्म होने से पहले दूसरा विचार आ रहा है। कई लोगों के दिमाग ज्यादा चलते हैं, रात को नींद की गोली खानी पड़ती है क्योंकि दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा होता है ना, चलते जा रहे हैं। समझ लो ऐसे लोग बहुत पीछे हैं। क्यों? मन क्या है, चैन ऑफ थॉट्स, कि एक के बाद एक विचार आ रहा है, एक विचारों की जंजीर है मन। अब मेडिटेशन क्या है, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी समझाते हैं द गैप बिटवीन टू थॉट्स, कि दो विचारों के बीच में एक छोटी सी महीन जगह होती है, वो मेडिटेशन है। अब ये स्वाभाविक है, किसी का सेकंड का करोड़वां हिस्सा होता है, किसी का सेकंड का लाखवां हिस्सा होता है, सेकंड का, मिनट का नहीं, सत्संग हमें पता भी नहीं चलता, वो गैप होता है। सिमरन कर करके ये गैप बढ़ते जाते हैं। जो लोग सिमरन करते हैं ना रोज, अमृत वाले उठ के वाहेगुरु का जाप करते हैं, मूल मंत्र का जाप करते हैं, ये गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिस जिसका ये गैप एक सेकंड तक हो गया ना सत्संग, सिर्फ एक सेकंड, उसके बारे में बारी क्या कहती है, सर्वन के जी, एक चित जे एक छिन त्यायो। अगर एक सेकंड के लिए भी तेरा मन गुरु के चरणों से जुड़ गया, एक सेकंड, तो क्या होगा, काल फांस के बीच नायो। सोचिए हम कितने पीछे हैं, हमारी जिंदगी में अब तक ये एक सेकंड तक नहीं आया। ये मूल मंत्र का जाप, ये सिमरन इसीलिए है ताकि ये गैप बढ़ जाए। हमारी जिंदगी का एक सेकंड भी ऐसा नहीं आया, और महापुरुषों का तो हर सेकंड इस तरह से बीतता है। अगर ऐसा ना होता तो जनक राजा सारे नरक खाली नहीं करवा लेता एक घड़ी के सिमरन के बदले, क्योंकि वो एक घड़ी का सिमरन इस तरह से नहीं किया हुआ था जैसे हम करते हैं। कैसे किया हुआ था, श्रवण कीजिए, वाणी फरमाती है, भगत बड़ा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक कणी के सिमरने पापी तरे अनेक। एक घड़ी का सिमरन दिया था उसने, जब उसकी अंतिम सांस लिए ना जनक राजा ने, जब शरीर छोड़ा तो देवता उसे लेके जा रहे थे, जब गुजरा नरकों के पास से तो लोगों की हाय हाय चिल्लाने की आवाजें आई, चीखने की आवाजें आई। अब नरम दिल था, पूछने लगा एक आवाजें कहाँ से आ रही हैं, कहने लगा ये नरकों में से आवाजें आ रही हैं, जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें उस प्रकार के दंड मिल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। मन दया से भरा हुआ था, कहने लगा सबको स्वर्ग में ले आओ, सबको छोड़ दो। देवता कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो जनक राजा ने कहा मैं अपनी एक घड़ी का सिमरन देता हूँ। एक घड़ी होती 24 मिनट की, सिर्फ 24 मिनट का सिमरन देके उसने सारे नरक खाली करवा लिए थे सत्संग, ये वाणी में दर्ज है। पर वो 24 मिनट कैसे जपा होगा कि सारे नरक खाली करवा दिए, सबके पाप माफ करवा दिए। इस तरह से एक चित जय एक छिंद आए, नित्यनेम बढ़ाइए, जाप बढ़ाइए। अगर चाहते हैं ये एक सेकंड हमारी जिंदगी में आ जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, अगर गैप एक सेकंड का भी ला सके। हमें लगता है हमारा मन जुड़ गया है, पर ध्यान दीजिए एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब हमारे मन में कोई ख्याल ना है दूसरा। अब सिमरन करने के ना बहुत सारे ढंग हैं। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर रोक देता हूँ, आगे नहीं बताता हूँ,
ये जो ढंग है ना, अगर कोई गलत ढंग से करना शुरू कर दे, इसके लिए महापुरुषों के सर पे हाथ चाहिए होता है, महापुरुषों का हाथ सर पे। अगर कोई गलत ढंग से करना शुरू कर दे, मैं ढंग आपको बता दूं, तो दिमाग पे असर हो जाता है, क्योंकि लालच आती है मन में, इसका फायदा इतना ज्यादा है तो इस ढंग से कर ले। पर एक बात याद रखिए, गुरु नानक का जो घर है ना, मस्कीन जी कहा करते थे, ऑटोमेटिक सिस्टम। आप सिमरन करना शुरू कीजिए, मूल मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए, जो जिसका नाम लिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा अमृतवल्ले उठ के चौंकड़ा मार के स्नान करके सीधे बैठ के जपना शुरू कीजिए, अपने आप आगे का रास्ता खुलता है, अपने आप। चाहे कोई महापुरुष मिलकर रास्ता बता दे, चाहे अपने आप मन में कोई बात आ जाए, रास्ता अपने आप मिलता है। एक दिन मेरा मन करेगा तो मैं जरूर आपको सब तरीके बताऊंगा कैसे होता है, पर मैं डर के नहीं बता रहा, महापुरुषों का हुक्म नहीं। एक बार महापुरुषों से पूछ लूंगा, फिर बता दूंगा आपको कि बताना सही है कि नहीं संगत। क्योंकि ये ढंग उन लोगों के लिए तकरीबन 40 माला जिनका नेम हो, अगर कोई छोटी अवस्था वाला सुन भी लेगा ना, तो कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी उसको। तो एक दिन ऐसे लोगों को अलग बिठा लेंगे समय रख के, जिनका कम से कम 40 माला मूल मंत्र का नेम हो, उन लोगों को बताया जाएगा कि ये नाम जपते कैसे, ढंग क्या होता है।